आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। ग्रेटर नोएडा में धार्मिक आयोजनों पर छिड़ी भैंस थमने का नाम नहीं ले रही है। ग्रेटर नोएडा के एक पार्क में बिना परमिशन नमाज पर रोक लगाए जाने के बाद अब ग्रेटर नोएडा सेक्टर 37 में भागवत कथा के लिए लगाए गए टेंट को प्राधिकरण के अतिक्रमण दस्ते ने उखाड़ फेंका, जिसके खिलाफ महिलाएं धरने पर बैठ गयी। गौरतलब है कि पार्क की जमीन पर बिना अनुमति धार्मिक आयोजन किया जा रहा था। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मैम, यहाँ जो भागवत कथा हो रही थी, क्या परमिशन थी इसकी या क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या बेसिकली? पहले देखिए, पहले नवरात्रों में भी यहाँ महिलाएं पूजा वूजा करती थी। मंदिर ये बना हुआ है, बहुत काफी सालों से ही बता रहे बना हुआ है। तो उसमें आज भागवत कथा रखी हुई थी। 20-25 दिन से प्रचार हो रहा था इसका, हर जगह पे, हर गेट पे इसके बैनर लगे हुए थे। और आज जो है रात को टेंट लगाया, सुबह 10 बजे टेंट उखाड़ दिया है। किसने उखाड़ा? अथॉरिटी से आई है, अथॉरिटी वाले आए हैं और वो टेंट वेंट सब उखाड़ गए हैं। सब महिलाएं परेशान हो रही है। कलश यात्रा निकली है आज और सब कलश रखे हुए हैं भगवान जी के। भागवत कथा शुरू होएगी। वृंदावन से महाराज जी भी आए हैं कथा करवाने के लिए। और ये जो लोग हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रही, ये कौन सी राजनीति चल रही है कि भाई यहाँ पे पूजा नहीं होगी, यहाँ पे वो नहीं होगा। अगर अथॉरिटी वालों को परेशानी थी तो पहले ये मंदिर इससे पहले भी यहाँ पूजा हुई, इससे पहले कभी कोई दिक्कत हुई? नवरात्रों में भी कथा होती रही, नवरात्रों में भी पूजा हुई है यहाँ पे। एक्चुअली जब मैं मॉर्निंग में आई थे 9 बजे, यहाँ पे बता रहे थे पंडित जी अथॉरिटी से कुछ लोग आए हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने यहाँ के देखा तो वो लोग तोड़फोड़ मचा रहे थे। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, भागवत चल रही है यहाँ पे? तो कि नहीं नहीं यहाँ कोई भागवत नहीं होगी और ये यहाँ पे कब्जा हो रहा है। मैंने कहा कब्जे के लिए यहाँ कोई मटेरियल तो है नहीं है, और बाकी तो यहाँ 7 दिन के लिए कथा है और आप लोग लिखवा भी सकते हैं इसलिए। और जो पहले कथा हुई थी, हमने जो भागवत पहले कराई थी, उसमें कोई ऐसी कोई झंझट ही नहीं हुई थी। आतंकी गतिविधियों के शक में NIA समेत दिल्ली और UP पुलिस ने मेरठ, अमरोहा, दिल्ली समेत 16 जगह पर छापामार कार्रवाई की, साथ ही 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। मेरठ की किठौर कस्बे में नईम नाम के शख्स की निशानदेही पर जांच एजेंसियों ने छापा मारा। हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र में भी NIA और ATS ने छापेमारी की। NIA ने साकिब नाम के 23 वर्षीय मौलाना को हिरासत में लिया, जो बक्सर क्षेत्र की एक मस्जिद में इमामत करता है। साकिब जैसे ही सुबह की नमाज पढ़ने के लिए निकला, उसको रास्ते से ही हिरासत में ले लिया गया। इधर बैठे थे उस वक्त पर बाहर के आदमी आने, पुलिस आई है। हम बोले कैसे आई है पुलिस? बस पता चला गया इमाम साहब रही है अंदर। हम गए झाँका, मैं गई क्या बात है, हमको कोई बात नहीं, पूछताछ चल रही है। मैं कहा जी नमाज पढ़ा, हम तो नमाज का टाइम हो रहा है, उसके बाद में कर लिए पूछताछ। तो कोई तुम इधर नमाज पढ़ाओ, कोई बात नहीं है, हम पूछताछ कर रहे कुछ किसी और से पढ़वा। यहाँ से किसको ले गए? यहाँ से इमाम साहब, साकिब साहब को ले गए। कितने लोग थे? कितने लोग थे वो जो आए थे? अरे अंदर तो 5-6 बड़े बस। बिजनौर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 11 बाइक्स के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का सरगना पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस की माने तो ये चोर बिजनौर समेत आसपास के जनपदों से बाइक चोरी कर औने पौने दामों पर लोगों को बेच दिया करते थे। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके के छरौरा गांव में कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने के साथ खूब पथराव हुआ, जिसमें एक पक्ष के दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। थाने पहुंचे पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी, फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। मथुरा जिला अस्पताल में बच्चा बदलने का गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल पिंकी नाम की महिला ने जिला अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था। महिला के पति का आरोप है कि अस्पताल कर्मचारियों ने बताया कि उसकी पत्नी ने लड़के को जन्म दिया है। इस खुशी में कर्मचारियों ने 5,000 रुपए की डिमांड कर दी, लेकिन पिंकी के पति ने पैसे देने से इनकार किया, लिहाजा बौखलाए कर्मचारियों ने बच्चा बदल दिया। महिला के पति ने जमकर हंगामा काटा और DNA टेस्ट कराने की मांग की गई। समस्या ये है कि जब है डिलीवरी आई थी तो सबसे पहले जब बच्चा हुआ था तो मुझे ये इनको जानकारी दी थी कि मतलब लड़का हुआ है, और उसके बाद करीब 1.25 घंटे बाद बता रहे कि लड़की हुई है। अब ये बताओ इतना 1.25 घंटे में कितना हेरफेर हुआ है, ये समस्या ये बनी हुई है। DNA टेस्ट करवाना है मुझे। तो बच्ची को तभी ले जाओगे? हाँ, बच्ची को जब ही लेके जाऊँगा। उससे पहले ले जाओगे? नहीं, उससे पहले बच्ची को नहीं ले जाऊँगा। नहीं ले जाऊँगा, DNA करने के बाद ले जाऊँगा। लखनऊ के बाजार खाला थाने क्षेत्र के सेंट मैरी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती, जिससे महिला की मौत हुई है। वहीं अस्पताल के डॉक्टरों ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध खनन पर भले ही रोक लगाने की बात कही हो, लेकिन अब भी जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। उन्नाव में खुलेआम हो रहा अवैध बालू खनन सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। कोतवाली गंगा घाट क्षेत्र के कटरी पीपर खेड़ा में खनन माफिया गंगा की छाती चीर कर अवैध रूप से बालू निकाल रहे हैं, जबकि यहाँ खनन का पट्टा नहीं हुआ है। कहाँ रहते हैं? हम तो रहते हैं कानपुर में। अच्छा, ये फसल बटाई किया आपने? हाँ, ठेके में लिया। अच्छा, तो ये मिट्टी खनन हो रहा है, ये कहाँ उठा रहे हैं मिट्टी भाई? ये गंगा जी में उठा रहे हैं। गंगा जी में? ये लोग कहते हैं पट्टे से उठा रहे हैं। पट्टे से कहाँ उठ रहे हैं? यहाँ पट्टा किसी का नहीं है। पट्टा वहाँ किसी का नहीं। प्रतापगढ़ में गैस गोदाम से तीन लुटेरों ने पिस्टल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। बाइक पर आए तीन बदमाश यश गैस एजेंसी से करीब 26,000 की नकदी लूट कर फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। आगरा में दबंगों ने बुजुर्ग दंपति के घर में घुसकर कब्जा करते हुए उन्हें घर से बेघर कर दिया। पीड़ित दंपति खुले आसमान के नीचे गृहस्थी का सामान लेकर रहने को मजबूर हैं। पूरा मामला जगदीशपुरा क्षेत्र का है। वहीं गुहार लगाने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों को इनकी परेशानी अब तक दिखाई नहीं दी है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।